जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं जस्ट गरीब रथ से उठ रहा हूँ और अब लेने वाला हूँ बिहार संपर्क क्रांति। दोनों ही ट्रेनों में ढाई घंटे का अंतर था। मैंने सोचा क्यों ना एयर सिटीसी का जो लाउंज है उसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि कई लोग कई बार आते हैं, तीन चार घंटे का गैप होता है और इतने के लिए होटल लेना फ़ायदेमंद नहीं है। तो चलिए देखते हैं भाई कैसा इसका हाल है। मैंने ऑलरेडी जाकर के अंदर दर्शन कर लिए हैं और आप लोग को भी दिखा देता हूँ। बैगेज वगैरह मैंने वहाँ रख दिया है, फ्रेशअप होकर शावर भी ले लिया है, पर मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखो कि फैसिलिटीज़ कैसी है यहाँ पर। जैसे आप वहाँ से अंदर आते हैं, आपको यहाँ पे आकर के अपनी एंट्री करवानी है और जब आपकी एंट्री वगैरह हो जाती है तो लाउंज का जो एरिया है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसके जो चार्जेस हैं आपको 200 रुपीस पड़ेंगे विद टैक्सेस। और यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वगैरह का जो डाइनिंग एरिया है वो बना हुआ है, प्लस यहाँ पर भी आप रेस्ट कर सकते हैं। जो चार्जेस हैं डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह के वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 200 रुपीस ब्रेकफास्ट, नॉनवेज ब्रेकफास्ट, वेज, लंच वगैरह सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लस शावर वगैरह अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सेपरेटली पे करना पड़ेगा। मैं रुका हुआ हूँ डीलक्स सूट पे, जहाँ पे रेस्टिंग सूट है तो वहाँ पे रिक्लाइनर सीट्स वगैरह मिल जाती हैं। चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। रिक्लाइनर सीट्स का जो एरिया है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा और यही सीटें हैं जो पुश हो जाती हैं आसानी से और यहाँ है अपनी सीट। ये कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ आपको IRCTC के लाउंज में मिल जाएंगी। साथ साथ रिक्लाइनर सीट्स का फ़ायदा, यहाँ पे आपको बेड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर शॉर्ट ले ओवर है तो यहाँ पे आकर आप प्रॉपर रेस्ट कर सकते हो। रिक्लाइनर एरिया की बात सबसे अच्छी है कि यहाँ पे आपको जो टी है वो कॉम्प्लीमेंट्री अनलिमिटेड मिल जाती है। आप कितनी भी टी वगैरह यहाँ पर ले सकते हो। बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको एक ही टी कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल है, यहाँ पर अनलिमिटेड मिल जाती हैं। साथ साथ आप लोग सोच रहे हो कि सत्य भाई कैसे आप लगातार इतनी बैक टू बैक बुकिंग्स कर लेते हो और कैसे वो कंफर्म भी हो जाती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं ट्रैवल बुकिंग के लिए यूज़ करता हूँ वीगो ऐप। वीगो एक ट्रैवल बुकिंग ऐप है जहाँ से आप फ्लाइट्स, होटल्स, ये सभी चीज़ें ईजिली बुक कर सकते हो। ये आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एंड 1000 से ज़्यादा रिजल्ट को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट प्राइस में डील प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, हाल ही में वीगो ने ट्रेन ट्रैवल बुकिंग भी शुरू कर दी है और मैंने अपनी ये टिकट बिहार संपर्क क्रांति की भी वहीं से बुक किया है। जल्दी से आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। वीगो ऐप को ओपन करिए, ट्रेन्स के आइकन पे जाइए, यहाँ पे अपना सोर्स स्टेशन डालिए और साथ में यहाँ डेस्टिनेशन, डेट ऑफ जर्नी चूज़ करिए, जैसे मैं टुमारो की चूज़ करता हूँ। और यहाँ पे देखिए जो भी आपको ट्रेन सही लगे, जो आपको सूटेबल लगे, उसमें आपकी ट्रेन टिकट आप इजीली बुक कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक सलाह ये भी है कि जब आप ट्रेन टिकट बुक करें तो सेम रूट पर फ्लाइट का किराया भी चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार वीगो आपको कम से कम प्राइस में फ़्लाइट टिकट भी प्रोवाइड करता है। और भाई जिन लोगों ने ऐप अपडेट नहीं किया है वीगो का, अपडेट कर लो, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। देर किस बात के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी जाइए वीगो आपको डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रैवलिंग को शुरू कीजिए। तो गाइज लंच में आपको कुछ ये सब मिल जाता है यहाँ पे, दाल हो गई, ड्राई सब्जी हो गई, पनीर हो गया, यहाँ पे छोले भी हैं और पूरा बफे सिस्टम है, अच्छे खासे राइस, सलाद, रायता, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ऑलरेडी 12:30 हो चुका है, 1 o'clock पे अपनी ट्रेन है, जल्दी से चीज़ें टेस्ट करनी है, टाइम कम है। बस आप लोग के लिए इसे रिव्यू करने के लिए मैंने इसका जो चार्जेस हैं वो पे किए। लाजवाब टेस्ट है यार। और एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि पहले वेज वालों के लिए खाना बन गया, आउट हो गया, अब ये सर्व हो रहा है। 1 बजे लाइक अराउंड 1 o'clock नॉन वेज फूड भी सर्व किया जाएगा, जो कि सेपरेट बना जाएगा। पनीर बहुत ही टेस्टी है और आलू का तो एकदम घरेलू स्वाद आ रहा है। छोला देखें भाई कैसा बना है। अमेजिंग। अगर आपको भी 350 रुपीस पे करने पड़े ना तो वो चार्जेस वर्थ है। एक्चुअली जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया है और अनलिमिटेड है। अगर आप कोई ट्रेन बोर्ड करने वाले तो यहाँ से खा पी के बढ़िया ट्रेन बोर्ड कर सकते हो आप। बाकी राइस तो सब कॉमन ही आइटम है, दाल ज़रूर टेस्ट करना चाहूँगा। एज ऑलवेज 10/10 देना चाहूँगा, खाने में कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। यहाँ 12:45 हो रहा है, 1 बजे अपनी ट्रेन का डिपार्चर है, तो जल्दी से खा पी के भाग के आया यहाँ पे। मैं खाना भी पूरा नहीं हो पाया, पर ट्रेन जर्नी आप लोग के लिए करनी है। बिहार संपर्क क्रांति पहली बार दरभंगा जा रहा हूँ तो इसे मिस नहीं करना चाहता था। ट्रेन नंबर है 125/66 और काफ़ी कमाल की ट्रेन है, मतलब इसे बिहार की शान भी कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो एरिया है बिहार का वो कवर करती है।
और अपना जो नॉर्थ यूपी है उसे पूरा कवर करती है। रूट है नई दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर के रास्ते, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। अपने गरीब रथ से ज़्यादा भरा तो इसका टू टायर का कोर्स लग रहा है, बिहार संपर्क क्रांति। टायर का हाल तो आप लोगों ने देख लिया, और बाहर से अपना कोच कुछ ऐसा दिखता है, मधुबनी की पेंटिंग से सजा हुआ। गाड़ी तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। कोई भी जर्नी इनफैक्ट शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी है रे नीर यानी पानी। पानी हर जर्नी में ले लिया करिए, चाहे आपकी राजधानी हो या कोई भी ट्रेन, इमरजेंसी में काम ज़रूर आता है। तुगलकाबाद का WDM-3A लोकोमोटिव रेक चेंज कर रहा है किस ट्रेन में, और अपना यहाँ सिग्नल भी हो चुका है। शार्प 1:01 पर अपनी गाड़ी नई दिल्ली से छूटने को तैयार है। तो दूसरी तरफ डिब्रूगढ़ राजधानी के रेक्स को लगाया जा रहा था, दो दो HCPV के साथ। दोस्तों नई दिल्ली से तो हम लोग चल चुके हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं ये जो अपनी बिहार संपर्क क्रांति से 2005 में चला गया था, वो भी 31 मार्च को, पर ये जो गाड़ी है चलने के साथ साथ ही प्रसिद्ध होती चली गई, और आज तो मतलब इस रूट की सबसे पॉपुलर ट्रेन में, इतनी पॉपुलर है कि इसकी क्लोन भी चलाई जाती है, क्लोन हमसफर। कोविड के बाद से एक क्लोन हमसफर भी शुरू की गई, इसके जस्ट एक आर पहले चलती है, उससे भी आपकी मुलाकात होती रहेगी जर्नी में, तो उससे भी आपसे मुलाकात करवाऊँगा। फिलहाल हम लोग चल चुके हैं नई दिल्ली से। उत्कृष्ट कोचेस हैं संपर्क क्रांति को अपने, जिसमें मधुबनी की खूबसूरत पेंटिंग सजाई गई है, विनाइल कोटिंग की गई इसमें मधुबनी पेंटिंग्स की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इवन ये इस एरिया में भी, वॉशरूम वाले एरिया में भी इसे खूबसूरती से सजाया गया है। दादरा से पुरानी दिल्ली जाने वाला ट्रैक, न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस। गाजियाबाद दोस्तों, यहाँ नई दिल्ली से निकलने के बाद ट्रेन तो काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है, लगातार 130, मज़ा आ रहा है, और नई दिल्ली से कानपुर तक ट्रेन का कोई स्टॉप भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आप लोग से एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्लोन हम सफ़र इसके आगे आगे चल रही है, पर ये आगे पीछे रहने का सिलसिला छपरा तक बदलता रहता है। अभी हम लोग क्लोन के आगे होंगे, और कानपुर से लखनऊ के बीच में क्लोन हमसे आगे होगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। बाकी खेत वगैरह देख के काफ़ी अच्छा लगा। नई दिल्ली से कानपुर का सेक्शन तो मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया, क्योंकि कानपुर मेरा गांव है, मतलब मैं वहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए इस रूट पे तो हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, पर ये जो सफ़र इसमें ट्रेन का स्टॉप नहीं है ज़्यादा, तो मज़ा काफ़ी आ रहा है सोच करके नई दिल्ली से चल के सीधा कानपुर, एकदम राजधानी वाली टाइमिंग है, राजधानी वाले शेड्यूल में हम लोग बढ़ रहे हैं।
गाइस यहाँ अपनी जर्नी तो काफी कमाल चल रही है। यहाँ यूपी बिहार की शान अपने आलू चाप आ चुकी है और मुझे काफी पसंद है रबड़ी आनंद की वो भी मिल चुकी है भाई। अब देखते हैं स्वाद कैसा है। लंच लगातार 130 के एमपीएस रफ्तार चल रही है। टुंडला शिकोहाबाद सब हम लोगों ने पार कर लिया। देखते हैं अब कानपुर अब तक पहुँचती है। टेस्ट तो काफी अच्छा है यार, मतलब मजा आ गया। 10 रुपये पर पीस का रेट है पर स्वाद काफी बढ़िया, मजा आ गया। काफी धीरे रफ्तार में हम लोग इटावा जंक्शन अभी पार कर रहे हैं। एक लाइन यहाँ से भिंड की ओर गई हुई है जो कि आगे ग्वालियर जाती है और एक और लाइन भंडई गई है जो कि सीधा आगरा जाती है, जैसे कोटा पटना एक्सप्रेस जाती है। 4:20 हो रहा है और यहाँ पे हम लोग अभी इटावा को स्किप कर रहे हैं। आउटर पे काम चल रहा था इसलिए ट्रेन को काफी धीमे होना पड़ा। यहाँ पे बिहार संपर्क क्रांति में भाई पनीर पकोड़े भी आ गए हैं जो 50 रुपये के हैं। तो ये देखिए ट्रेन में आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी। अब ट्रेन नहीं, मुझे खाना खजाना लग रही है। दोस्तों बारी है बिहार संपर्क क्रांति के पनीर पकोड़े टेस्ट करने की, देखते हैं कैसा है स्वाद। काफ़ी बढ़िया स्वाद है यार। मैं तो सोच रहा था इस रूट में ऑनलाइन फूड वगैरह ऑर्डर करूँगा पर यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा खासा फूड हमें ऑनलाइन ही ऑनबोर्ड ही मिल जा रहा है। लगता है इसका डिनर भी रिव्यू करना ही पड़ेगा जब इतना अच्छा खाना जब उसका स्नैक्स में इवनिंग स्नैक्स में मिल रहा था। काफ़ी बढ़िया है, वर्थ है, लेकिन 50 रुपीज़ के हैं, 5 पीसेस में मिलेंगे। और ट्रेन में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लगातार ट्रेन की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे 20 रुपए की ये चाउमीन भी आ चुकी है और अब हम लोग कुछ ही समय में कानपुर भी पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे दोस्तों कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन जहाँ से फरुखाबाद कासगंज का रूट गया हुआ है तो हम लोग अभी कानपुर सेंट्रल पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ 440 किलोमीटर की दूरी को नॉन स्टॉप तय करते हुए हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुँच चुके हैं। 1930 में स्टेशन को खोला गया था कानपुर नाम से, CAWNPOR कानपुर नाम से। और अब कानपुर सेंट्रल अपना इस रूट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है और भारत के 5 सेंट्रल स्टेशन में से एक स्टेशन है।
वैसे यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से लास्ट प्लेटफॉर्म में मुझे लगता है अपनी गाड़ी आई हुई है। और क्लोन हमसफर पहले ही पहुँच चुकी थी यहाँ पे, 6:10 का अराइवल था, 6:11 पे अपनी ट्रेन पहुँची और वो पहुँच गई थी यहाँ पे 5:30 बजे, बल्कि उसका अराइवल ऐसे थोड़ा बाद में। पर देखते हैं आप किसको पहले छोड़ा जाएगा और ओवरटेक वगैरह हो पाएगा कि नहीं। बाकी कानपुर में खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, पैंट्री कार ट्रेन की काफ़ी मस्त है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि कानपुर सेंट्रल से खाना लें। बाकी बेसिकली देखा जाए तो मैं कानपुर शहर से हूँ, रह रहा हूँ बैंगलोर में, लेकिन फैमिली पूरी यहीं की है, तो आप कह सकते हो मैं कानपुरिया हूँ। बाकी फिलहाल अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और फल वगैरह स्टेशन मुझे दिख रहे हैं, तो मैं अपने ट्रेन के लिए प्रेफर करूँगा फल खाना, क्योंकि काफ़ी पकौड़ी वगैरह आज शाम में ट्राई हो गई है इस गाड़ी की। अब बारी है कुछ लाइट खाने की। स्टेशन में समोसे वगैरह भी अवेलेबल हैं, पर अपने उन्होंने थोड़ा लाइट के चक्कर में फ्रूट्स ले लिए, क्योंकि जर्नी काफ़ी दिनों से चल रही है, तो लाइट खाना खाना चाहिए। कानपुर में बस 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं। तो अच्छी बात यह थी कि यहाँ पे खाना पीना तो खैर उपलब्ध है, साथ में फल वगैरह भी उपलब्ध थे स्टेशन में। अब देखते हैं क्लोन से मुलाकात हमारी हो पाती है। कानपुर का WAP5 और लखनऊ का WDM, वाह। इसी के साथ शानदार शाम है कानपुर सेंट्रल से। यहाँ राइट में जो आपको लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये चली जा रही है प्रयागराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वाली ट्रैक की ओर। यही आगे हावड़ा, रांची, इन सभी रूटों में निकल जाती है। हम लोग लखनऊ लाइन पे बढ़ रहे हैं। गंगा माता की जय हो। क्रॉसिंग गंगा रिवर जस्ट आफ्टर कानपुर सेंट्रल। यहाँ पे हमारी ट्रेन का धीरे धीरे अराइवल हुआ है ऐशबाग रेलवे स्टेशन में। यहाँ टाइम, यहाँ 510 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने फिनिश कर ली है। सेकंड हॉल्ट है अपना ऐशबाग, जो कि लखनऊ शहर के अंदर ही आता है, मतलब लखनऊ जंक्शन और जो एंडिंग वाला स्टेशन है ना अपना लखनऊ NR, उससे एकदम करीब ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप ऑटो वगैरह लेकर भी जा सकते हो, मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से पास पड़ेगा, कोई यहाँ आपको उतरने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का अराइवल 8 बजे का था, थोड़ा पहले आ गए, लेकिन अगर आपका भाई बैठा हुआ है तो कैसे कोई और गाड़ी ओवरटेक कर सकते थे। यहाँ पे क्लोन हमसफर हमें ओवरटेक नहीं कर पाई है, वो हमारे पीछे पीछे ही चल रही है, यहाँ पे हमें ओवरटेक करेगी भी नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ से उसे पहले भेजा जाएगा हमसे और आगे जाके छपरा में फिर हम लोग आगे होंगे। बाकी खाने पीने की चीज़ें यहाँ लखनऊ स्टेशन में, यानी ऐशबाग स्टेशन में अवेलेबल है। ऐशबाग बहुत ही ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। तो पहले ऐशबाग रेलवे स्टेशन से मीटर गेज ट्रेन शुरू हुआ करती थी, ब्रॉड गेज ट्रेन यहाँ से नहीं थी। बनारस के लिए, गोरखपुर के लिए, गोंडा वगैरह के लिए यहीं से मीटर गेज ट्रेन, साथ ही साथ यहाँ से नैनीताल के लिए चलती थी अपनी, कौन सी गाड़ी कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिखना है। बाकी मैं बताता हूँ, मैलानी पीलीभीत के लिए चलती थी सेंचुरी एक्सप्रेस, यहाँ से रोहेलखंड एक्सप्रेस भी चलती थी, ऐसी बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन चलती थी यहाँ से। लेकिन नैनीताल वाली गाड़ी का नाम आप लोग को बताना है, क्योंकि बहुत ही फेमस रही है गाड़ी और उसमें 2 AC फर्स्ट क्लास सब कुछ लगता था। मैंने मेरी आंखों से यहाँ से डिपार्चर्स भी देखे हैं मीटर गेज ट्रेन्स के। अब मैं यहाँ से ब्रॉड गेज ट्रेन देख रहा हूँ, साथ साथ यहाँ से सफ़र भी कर रहा हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है यहाँ की। 2015 तक मीटर गेज ट्रेन ट्रैक सब कुछ था यहाँ पे। बस खाने पीने की चीज़ें यहाँ से कुछ कलेक्ट की जाएंगी और डिपार्चर देखते हैं हम लोग यहाँ से फिर। यहाँ अब जाके पहुँच रही है 8:09 पे क्लोन, ये चली थी 12:15 पर और हम लोग चले थे 1:00 नई दिल्ली से। कानपुर में हम आगे हो गए, बल्कि ये काफ़ी पहले कानपुर पहुंच गई थी। बस ये सब शेड्यूल का खेल है, इसका शेड्यूल यहाँ पे हमसे पहले का था और फिर भी हमारी गाड़ी ने ओवरटेक नहीं दिया और यहाँ इससे पहले पहुँच ही गई। सही है, मज़ा काफ़ी आया इसके साथ आज। देखते हैं यहाँ से किसको पहले छोड़ा जाएगा, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो उसका डिपार्चर जो है हमसे पहले, उसका 1950 का ही डिपार्चर था, वो 20 मिनट लेट हो गई और हमारा बस 1 मिनट है डिपार्चर में 8:10 पर। और यहाँ हम लोग को क्लोन से पहले ही छोड़ दिया, मतलब फिर से एक और ओवरटेक।
बारी उसकी थी लेकिन हमें छोड़ा जा रहा है। मजा आता है कभी कभी रेलवे की ऐसी चीजें देख करके। अब हमारी ट्रेन का कोई भी स्टॉप नहीं, मतलब गोंडा वगैरह हम लोग नहीं रुकेंगे, सीधा गोरखपुर जा करके रुकेंगे रात 12:55 पे, और यहाँ उसका अराइवल 12:45 का है, तो ऑब्वियसली बात है हमें ओवरटेक करेगी रास्ते में, देखते हैं वो भी होता है या नहीं। वैसे रात 1 बजे तक जागने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि मैं गरीब रखने सुबह 5 बजे से जाग रहा हूँ, 7-8 ओवरटेक लिए और कमाल की जर्नी आप लोग के लिए रिकॉर्ड की। जिन लोगों ने नहीं देखा है पर वीडियो देखना ज़रूर, मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा गरीबत की वीडियो में। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, वो भी ICF कोचेज में। यहाँ हम लोग 9:22 पर बाराबंकी जंक्शन स्किप कर रहे हैं। बाराबंकी से एक लाइन अयोध्या की ओर चली जाती है और इसीलिए इसे जंक्शन कहा जाता है, और हम लोग गोंडा वाली लाइन पर बढ़ रहे हैं। बाराबंकी के समोसे काफ़ी मशहूर है भाई, जिन लोगों ने खाए हैं कमेंट सेक्शन में लिखेगा ज़रूर। और यहाँ आते आते ठंड का असर देखने को मिल रहा है। काफ़ी धीरे रफ्तार में स्किप हो रहा है गोंडा का, जैसे को उतरना है तो आसानी से उतर भी सकता है, पर बिल्कुल ऐसी चीज़ें रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि आप चलती ट्रेन से उतरें कभी भी, और रुक भी गई यहाँ पर मुझे लग रहा था। गोंडा जंक्शन में हमारी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुक भी गई थी, तो भाई जिनको उतरना होता वो तो उतर जाते, पर खैर स्टॉप नहीं इसलिए सवारी भी नहीं थी, वरना चाय पानी जिसको करना उसके लिए भी अच्छा खासा टाइम था आज यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और एक बहुत ही मासूम सी ठंडी है यहाँ पे, मासूम इसलिए कहूँगा क्योंकि चुभ नहीं रही लेकिन अच्छी बहुत लग रही है, और अपनी ट्रेन गोंडा जंक्शन को यहाँ पर स्किप कर रही है भाई। एक रूट यहाँ से बहराइच की ओर गया है जहाँ आज भी मीटर गेज की ट्रेन चल रही है बहराइच से मैलानी, और हम लोग बढ़ने वाले हैं सीधा गोरखपुर के लाइन की ओर, और एक और रूट गोरखपुर के लिए यहाँ से नौतनवा होते हुए गया हुआ। अब फाइनली दोस्तों सोया जाए, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। गोरखपुर रात 1 बजे आएगा, बाकी स्टेशन 3-4 बजे। सुबह जब हम लोग उठेंगे तब हो सकता है समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर वगैरह हमें दिन में देखने को मिले, और एक रिवर्सल भी होने वाला है। कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा होगा, बाकी दिन में तो मैं आपको दिखाने वाला ही हूँ। फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह, क्योंकि ये जो रूट है मेरे लिए भी नया और मैं इसे अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसके लिए 5-6 घंटे की नींद तो ज़रूरी है। गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं हाजीपुर जंक्शन, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। पटना से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है और गंगा नदी इन दोनों ही शहरों का विभाजन करती है। वैसे सोनपुर और हाजीपुर के बीच में गंडक नदी है जो कि अभी रास्ते में आपको देखने को मिली थी। बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई है यहाँ पे, और सुबह के अभी 5:52 हो रहे हैं, यानी 5:52 हो रहे हैं। 5:36 का यहाँ पे अराइवल था, थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ दिन ऑलरेडी हो चुका है 5:52 पे ही, और काफ़ी मतलब एक अच्छी वाली ठंड है, मतलब इसमें ना हमें ठंड लग रही है और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अंदर जो कोच का टेम्परेचर है ना उससे अच्छा टेम्परेचर तो बाहर का ही है। खैर इतना बड़ा स्टेशन नहीं है और हमारा कोच एकदम एंड में से चाय वगैरह नहीं मिल पाई, वरना आगे वाले स्टेशन में आपको ज़रूर चाय वगैरह रिव्यू करके भी दिखाएंगे, क्योंकि अब लगातार स्टेशन आने वाले हैं। सोनपुर हाजीपुर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और हाजीपुर से बहुत सारी लाइन्स भी गई हुई हैं। हमारे छपरा वाली लाइन से पटना वाली लाइन का मैंने आपको बताया, मुजफ्फरपुर बरौनी गोरखपुर, एक्चुअली हमारी ट्रेन भी रात 1 बजे गोरखपुर पहुंची थी, तो इसीलिए जो हाजीपुर की इम्पोर्टेंस है अपने रूट में बहुत बढ़ जाती है। सोनपुर डिवीजन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, यहाँ अपना सिग्नल उच का, चलिए चलते हैं आगे, तो फिर भी और बड़े बड़े स्टेशन बिहार के आपका इंतजार कर रहे हैं।
अभी आपने दिन की शुरुआत हुई है और अपनी सुबह की चाय आ चुकी है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि बिहार संपर्क क्रांति में इतनी सही चाय मिलेगी, क्योंकि बाकी नॉर्मल ट्रेन की बात की जाए तो उसमें ऐसा लगता है ऑलमोस्ट आप पानी ही पी रहे हैं, पर इसमें थोड़ा बेटर है। तो मुझे इसकी पैंट्री की सुविधा है बाकी ट्रेन से बेटर लगी है। बाकी मुजफ्फरपुर में भी ट्राई किया जाएगा, थोड़ी देर में आने वाला है। अभी दिन की शुरुआत हो ही रही है तो नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। जैसे ही सनलाइट आती है आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाएंगे। दोस्तों वो जो लाइन है वो मोतिहारी और सीतामढ़ी की ओर निकल जाती है और हम लोग अब पहुंच रहे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। यहाँ 6:30 का अपना टाइम था और 6:50 पर हम लोग पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। 1078 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय कर ली है और हमारी ट्रेन यहाँ पे थोड़े से डिले के साथ पहुँची है, क्योंकि इतनी लंबी जो दूरी तय की है। और साथ साथ बता दूँ, मुजफ्फरपुर अपनी शाही लीचियों के लिए मशहूर है और यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे आपको खाने पीने की सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, अचार वगैरह, स्नैक्स आइटम स्टेशन में अवेलेबल है। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं और देखिए सनराइज़ कितना खूबसूरत हो रहा है यहाँ से आज। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन A1 क्लास का रेलवे स्टेशन है भारतीय रेलवे का और इसे रीडेवलपमेंट के लिए अप्रूव कर दिया गया है, जहाँ पे एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज आपको जल्द ही स्टेशन में देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप लोगों ने रानी कमलापति देवी यानी अपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन में देखी है। रूट्स की बात की जाए तो अराइवल में मैंने 2 इंपॉर्टेंट रूट आपको दिखाए, तीसरा है समस्तीपुर वाला रूट जिसमें अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं, जिससे आगे लाइन एक बरौनी की निकल जाती है बरौनी कटिहार और दूसरी निकल जाती है दरभंगा जयनगर वाली जिसमें अभी हम लोग बढ़ने भी वाले हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुजफ्फरपुर को बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन बनाती है इंडियन रेलवे का, इसीलिए इसे A1 कैटेगरी में रखा गया है और जल्द ही यहाँ पे एकदम मॉडर्न आधुनिक सुविधाएं आपको स्टेशन में देखने को मिलेंगी। एक एक्सपेरिमेंट के लिए मुजफ्फरपुर में हमने चाय भी ली और सच बता रहा हूँ इससे अच्छी तो ट्रेन की चाय थी, खैर मज़ा नहीं आया इसमें। मतलब चीनी पानी बस इतना ही फील आ रहा है, तो मतलब आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है यहाँ से चाय लेना, ट्रेन की फिर भी बेटर थी इससे तो। और बाकी हमारे कूली भाई लोग जा रहे हैं, इनको भी थोड़ी मदद किया करो, अपना लगेज वगैरह कभी कभार इनको भी दे दिया करो, क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी इसी चलती है। आप साल में एक बार ट्रैवल करते हो और अगर कोई आपसे 150-200 रुपये आप किसी को दे दोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा पर किसी का भला ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पर सुबह 7 बजे यानी 6:58 पर मीटिंग यहाँ मुजफ्फरपुर से निकल भी चुकी है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा स्टेशन के आगे वाले एंड में देखने को मिल रहा है। साबरमती स्टेशन 2 पर आने की अनाउंसमेंट हो रही है और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म में खड़ी है मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर तरफ जा रही है। कभी मैंने उसमें ट्रैवल नहीं किया पर जल्दी उसमें ट्रैवल करेंगे। पूरे सप्तक्रांति के रेक्स लगे हुए हैं इसमें। दरभंगा अहमदाबाद ये आई जयनगर दरभंगा वाली लाइन, हम लोग अब पहुंचने वाले हैं समस्तीपुर जंक्शन। 7:53 का अपना टाइम था और यहाँ हम लोग 7:48 समस्तीपुर जंक्शन पहुँच चुके हैं और वहाँ पे क्लोन हमसफर की रिवर्स डायरेक्शन वाली गाड़ी है ये, जो कि
दरभंगा से आ रही है, उसमें इंजन रिवर्स हो चुका है और अब वो बढ़ जाएगी की ओर। सेम ऐसे अभी हमारी ट्रेन में भी लोकोमोटिव इसी डायरेक्शन में लगाया जाएगा क्योंकि हम लोग बढ़ने वाले हैं दरभंगा लाइन पे। दोस्तों समस्तीपुर से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट्स गए हुए हैं, जैसे कि यहाँ से जयनगर दरभंगा वाली लाइन तो आपने सुनी ली, एक और लाइन यहाँ से गई है डायरेक्ट खगड़िया, मानसी खगड़िया वाला रूट, और तीसरी बरौनी वाली लाइन, चौथी लाइन से तो हम लोग आ ही रहे हैं जिसे आप देख रहे हैं गोरखपुर छपरा वाली लाइन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये और यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं। अभी यहाँ पे जयनगर पटना एक्सप्रेस भी आ रही है, साथ ही साथ यहाँ पे आ रही मिथिलांचल एक्सप्रेस जो कि जा रही है हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे सेम रूट पे, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो भी रिवर्सल में जो प्रोसेस है वो हो चुकी है, अब रिवर्सल के प्रोसेस के बाद आप बढ़ा जाएगा आगे वापस से दरभंगा जयनगर वाले रूट पे, यहाँ पे दरभंगा तक अपनी ट्रेन जाएगी और यहाँ से 8:18 अपनी ट्रेन का जो डिपार्चर है। वहाँ पे अवध असम खड़ी है बांद्रा से बरौनी, वो बरौनी से बांद्रा जा रही है और यहाँ हम लोग निकल भी चुके हैं 8:27 पे, थोड़ा डीले हो गया समस्तीपुर से डिपार्चर पे। अभी हम लोग उसी लाइन से आए थे और वो मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ रही है और हम लोग दरभंगा वाली लाइन पे निकल चुके हैं। बूढ़ी गंडक नदी हमको डिपार्चर पे ही देखने को मिलेगी। अभी तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं दरभंगा जंक्शन समय से 10 मिनट पहले, टोटल 1170 किलोमीटर्स की दूरी हम लोगों ने तय की है। इस सफ़र में काफ़ी मज़ा आया और बिहार संपर्क क्रांति सच में मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दरभंगा से सीतामढ़ी होते हुए रक्सौल की लाइन गई हुई है, जयनगर वाली लाइन के बारे में तो आप लोगों ने कई बार मेरे मुँह से सुना और बाकी ओवरऑल ये जो रूट था ना सही था और यहाँ खाने पीने की भी कोई दिक्कत हुई नहीं। तो वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर और बिहार संपर्क क्रांति की साफ़ सफाई पंक्चुअलिटी कैसी लगी बताइए एक ज़रूर, और अगर आप लोगों ने इसमें कभी ट्रैवल किया है
तो क्या कभी आपने कोई दिक्कत फेस की है या कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ हुई है? अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें एक्सप्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको आपके एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो @thetraingurú, वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलूंगा जल्दी ऐसी एक और जर्नी में, क्योंकि यहाँ से रिटर्न जर्नी शुरू हो रही है, पर उसका रूट थोड़ा डिफरेंट है, वो मुजफ्फरपुर से बरौनी पटना होते हुए कोई गाड़ी है। आने वाले वीडियोज में आपको पता चलेगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।